चरखी दादरी में बारडा लोहारू रोड पर आज सुबह I-20 कार ने सड़क से गुजर रहे जीजा साला को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों की मौके पर मौत हो गई। टक्कर के बाद I-20 कार भी पलट गई। जानकारी के अनुसार बारडा निवासी लक्ष्मण और संजय पेशे से श्रमिक थे। वे लोहारू रोड स्थित एक साइट पर काम देखने के लिए गए थे। वहां से वापस घर आने के लिए पैदल ही निकले थे। जब वे बारडा नहर पुल के पास पहुंचे तो लोहारू की तरफ से आ रही I-20 कार ने उन्हें टक्कर मार दी। कार की टक्कर लगते ही लक्ष्मण और संजय उछलकर दूर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए। बारडा थाना पुलिस ने दादरी सिविल अस्पताल में मृतकों का पोस्टमार्टम करवाया है और आरोपी चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। ICS कोचिंग सेंटर, वेयरहाउस रोड, MC कॉलोनी, चरखी दादरी। ये सर काम पर जा रहे थे, वो मालिक नट गया था, क्या हम ईट नहीं चढ़वाएंगे। फिर ये वापिस आ रहे थे, पीछे से ये टक्कर मारी सर। I-20 वालों ने शराबी रखी थी, इन्होंने ये ध्यान दिया नहीं, ये पीछे का पीछे से मारी थी। पर हम नहीं थे सर वहाँ पे, हम भी काम पे लग रहे थे, हमारे पास भी फोन आए थे। घटना कहाँ पर हुई है? ये लोहारू रोड सर, बाडडा में। ये जी काम करने के लिए जा रहे थे, वहाँ से काम देख कर वापस आ रहे थे। वापस आने के बाद में पीछे से गाड़ी आई, फिर उसको ठोक दिया सर। मामला दोनों मजदूर है, जो मरने वाला लक्ष्मण है और इसका रिश्तेदार है संजय। दोनों मजदूरी करने के लिए गए थे सुबह, वहाँ काम नहीं मिला, वापिस आ रहे थे बारडा की तरफ। तो एक गाड़ी आई जो पीछे तीन है, दोनों एक इसका लड़का था इनके साथ, जो ये लक्ष्मण है इसका लड़का था प्रकाश, तो इन दोनों के पीछे से टक्कर मार दी। और गाड़ी वाला गाड़ी ने छोड़ कर ना मुख्य प्रकाश लिया, जो प्रकाश है ना लक्ष्मण का लड़का, इसके जान पर प्रचार गया है जी।